हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इंट पर। तो आज जो मैं अपडेट बताने जा रहा हूँ, पहले इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, उसके बाद ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर छात्र क्या होते हैं कि वीडियो को देखते नहीं और पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो पहले आज की जो वीडियो बहुत केयरफुली सुनिएगा, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हैं और चाहे आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं, झटका दोनों छात्रों को लगा है, बीएड और डीएलएड दोनों को। बस यही कि बीएड को थोड़ा सा ज्यादा नुकसान होगा इस न्यूज से। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें, जिससे आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने ये एक अपडेट देखी होगी, यहां पर मैं आपको दिखा दूं, शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू, समय सारणी भी जारी है। आपको एक बात पता होगा कि बेसिक शिक्षा में यानी प्राथमिक में जो शिक्षक थे उनको अब जूनियर के लिए प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। आपको पहले मैं न्यूज बढ़ाता हूं, फिर मैं बताता हूं कि बीएड को और डीएलएड को किस प्रकार नुकसान है इससे। यहां पर लिखा कि शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विस्तृत समय सारणी भी जारी कर दी गई है। 30 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसमें कम से कम 5 साल का अनुभव पूरा करने वाले शिक्षक योग्य माने जाएंगे। अभिमान कौन से शिक्षक योग्य हैं वो आप लोगों के काम की चीज नहीं है। इसमें मेन चीज ये है कि अगर प्राइमरी से अगर जूनियर में लोगों को प्रमोट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जूनियर की जो वैकेंसी है वो फुल हो जाएगी, और अगर जूनियर की वैकेंसी फुल हो जा रही है तो जूनियर की वैकेंसी जाहिर सी बात है कुछ दिनों तक नहीं आएगी। और जब जूनियर की वैकेंसी कुछ दिनों तक नहीं आएगी तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीएसटीसी का केस चल रहा है, जिसमें अभी यह कह पाना मुश्किल है कि बीएड जीत रहा है कि बीएसटीसी जीत रहा है। अगर अब यहां पर जरूरी यह हो जा रहा है कि अगर जूनियर में भर्ती नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है बीएड वालों की सबसे ज्यादा उम्मीद है कि चलो कोई बात नहीं, प्राइमरी में वैकेंसी आएगी, हम प्राइमरी में एलिजिबल हो जाएंगे। अब कहने का मतलब यह हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट में बीएड को जीतना अनिवार्य हो गया है। अगर बीएड वाले छात्र वहां से जीतेंगे तो उन लोगों को प्राइमरी में मौका मिलेगा और प्राइमरी में वैकेंसी आएगी और वो लोग वहां पर बैठेंगे, क्योंकि जूनियर का तो यहां पर भरा जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि 100% पद जो है भर दिए जाएंगे जूनियर के पदोन्नति से। समझ में आ गई बात। और एक भर्ती जूनियर की चल रही है, तकरीबन 2000 पदों पर है, 1500 के आसपास जूनियर में भर्ती चल रही है, वो जो भर्ती है वो आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यहां पर जूनियर के पद लगभग समाप्त हो जाएंगे क्योंकि 1500 पदों पर जैसे ही भर्ती खत्म होगी वो भी पद मिलेंगे, साथ ही साथ पदोन्नति से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं यहां पर डीएलएड को कैसे नुकसान है। तो भाई मेरे, आपको पता होना चाहिए कि जब भी जूनियर की भर्ती आती है तो जूनियर की भर्ती में बीएड वाले भी शामिल होते हैं और डीएलएड वाले भी शामिल होते हैं। तो भैया बीएड वालों को तो ज्यादा नुकसान होगा, बात करते हैं डीएलएड की तो डीएलएड को भी नुकसान होगा, चाहे डीएलएड केस जीते बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट में चाहे ना जीते, भाई वो तो है ही है जूनियर में एलिजिबल डीएलएड। लेकिन बीएड अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में केस आ जाती, अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, अगर ऐसा होता है, ठीक है, वैसे उम्मीद कम है कि बीएड वहां पे केस आएगा क्योंकि मुझे तो लग रहा है सारी चीजें क्लियर है, देखना ही होगा कि होता क्या है। फिलहाल यहां पर मैं बता दूं कि बीएड वाले छात्रों के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जीतना काफी ज्यादा अनिवार्य हो चुका है। एक बार आप वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें, अपने दोस्तों को, जितने भी ग्रुप है वहां पर भी शेयर कर दें, जिससे सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आखिर में चीजें क्या चल रही है। लोग अभी क्या है, अभी बच्चे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको लग रहा है प्रमोशन है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रमोशन अगर हो जाएगा, प्रमोशन तो होना निश्चित है, फिलहाल ये तो रोक नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि अगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वैकेंसी कुछ दिनों तक जूनियर में अब नहीं आएगी, ठीक है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।